हेलो दोस्तों, हम प्रतिशत का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। भाई ये सारे प्रश्न देखिए, प्रश्न है दोस्तों, सरिता कोई भी नाम हो सकता है, हम लिख रहे हैं स्पेन्स 65% ऑफ हर सैलरी, सरिता के लिए जो है हर्ष, एंड द रेस्ट ही सेव, एंड द रेस्ट सी सेव्स सेव्स इफ सी सेव्स रुपीस 2940 पर मंथ व्हाट इज द मंथली सैलरी, व्हाट इज द मंथली सैलरी। आपको सैलरी बनाना। प्रश्न यह है दोस्तों कि सरिता स्पेंड मतलब क्या होता है दोस्तों, खर्च कर रही है 65% ऑफ हर सैलरी, यानी जितना उसको मंथली वेतन मिल रही है उसका 65% खर्च कर देती है, और जो रेस्ट सेव करती है, बचा हुआ जो वेतन है 65, मतलब 100% कोई चीज़ होता है दोस्तों, तो 65 में से 65 गए, यानी 35% वह बचा रही है, यानी सेव कर रही है। प्रतिशत हुआ, प्रतिशत अलग हो गया दोस्तों और नंबर में अलग हो जाएगा। इफ सी सेव, यदि वह सेव करती है कितना दोस्तों, तो इतना सेव करिए जो नंबर में दिया हुआ है पर मंथ, तो पूछ रहा है मंथली सैलरी क्या होगा दोस्तों। प्रश्न समझ गए होंगे दोस्तों, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इस तरह करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, मानेंगे कि लेट हर मंथली मंथली सैलरी सैलरी भी रुपीज़ 100 रुपये इसका मंथली सैलरी माने, ठीक दोस्तों, तो उसके द्वारा जो स्पेंड किया गया मनी कितना हो जाएगा, मनी स्पेंड बाई हर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 65% ऑफ रुपीज़ एक्स, क्योंकि टोटल का ही ना खर्च करेगी, तो इसलिए एक्स का 65%, इसको सिंपलीफाई करिएगा ये रुपीस हो जाएगा टोटल, तो 513, 520 यानी 13x/20, ये क्या की दोस्तों, खर्च कर ले, तो बचाई कितना, तो टोटल मनी मेरे पास इतना था, ये खर्च कर रही है तो बचाई कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तब ना, जैसे मेरे पास 20 रुपया था, यदि आपको मम्मी बोले 20 रुपया बेटा जाकर लाओ लाओ अथी सब्जी ले लाओ, तो आपने 10 रुपये का सब्जी ले लिया 250 रुपये में आधा किलो जैसे दिया सब्जी, अब बचा तो आपके पास कितना, टोटल इतना था तो बचा का इतना 20 में से घटाइएगा, ठीक उसी तरह बचे मनी बचेगा कितना, जो टोटल था उसमें से घटा देंगे, तो चलिए घटाते हैं, मनी सेव्ड कितना हो जाएगा दोस्तों, रुपीस एक्स था माइनस 13x/20, तो बचा कितना दोस्तों, रुपीस 7x/20, और वही सेव मनी रुपया में दिया हुआ है दोस्तों, इसको दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये जो रेशियो में एक्स के टर्म में है वही नंबर के टर्म में है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, तो 2940 × 20/7, इसको काट दीजिएगा तो 7 × 4 = 28, 1 × 29 = 14, अब 42 × 2 = 84, यानी 8400 रुपया हो गया, ये इसका मंथली इनकम हो गया। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों, सिंपली सिंपल तरीका से आपको समझाने का प्रयास किए, यदि आपको समझ में आ रहा है बताने का तरीका, यदि समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई दोस्तों, ताकि मैं भी लाइव आकर आपको सिखाऊं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।